अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज अभी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे एक बहुत ही दिल अजीज़ व्यूवर्स हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हम अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई इस तरह का सोर्स नहीं है कि हम अपने प्रिंट खुद से निकाल सकें, या अपने जो है ना वो कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ अटैच कर सकें प्रिंटर हमारे घर पे, सिंपल हमारे घर पे नहीं है प्रिंटर, तो हम क्या करें। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीका है। उस तरीके से आपने फ़ाइल को सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, और यूएसबी की मदद से या ईमेल की मदद से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं पे भी, और वहाँ पे भी आप उसको जाके प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी जितने भी ऑर्डर पेंडिंग है या रेडी टू शिप हैं, जितने भी आपने ऑर्डर का प्रिंट निकालना है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, वो यहाँ से आपने कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे इस तरीके से, आप अगर सेलेक्ट करना चाहो इस तरीके से सेलेक्ट करके, तो आपने क्या करना है प्रिंट के ऑप्शन में आके ऑल डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ऑल बटन बटन के डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, जैसे आपका फ्रंट पेज है, ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना वो ट्रैकिंग आईडी है, उसके बाद ऑर्डर है, ये सारा लटर पटर आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास प्रिंटर सेलेक्ट होगा या कोई और ऑप्शन सेलेक्ट होगी, तो आपने यहाँ पे सेव टू पीडीएफ करना है, ठीक है। पीडीएफ के बटन पर क्लिक करना है आपने। पीडीएफ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने अपने डेस्कटॉप पे या अपने ड्राइव में कहाँ पे इसको सेव करना है। तो यहाँ पे आके आपने अपना जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना है फोल्डर, या यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है प्रिंट का, तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो बाइटफोल्ड दराज सेलर सेंटर की वो आ रही है, यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर लेनी है कि इस डेट को ऑर्डर आए थे, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही सेव करता हूँ तो फोल्डर में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। अब यहाँ से आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वही फाइल जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये देखें, यही फाइल थी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, उसी तरीके से उसको जो है ना वो प्रिंट कर लेना है, ठीक है। ये प्रिंट के ऑप्शन है, जहाँ पे भी आप फाइल कर यूएसबी में डालें, या आप किसी भी मेथड पे जाके या ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें किसी को, ठीक है, तो आप ये फाइल वहाँ पे चली जाएगी और इजीली आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने प्रिंट निकाल के तो अपनी वर्किंग को कर लेना है, और यहाँ से आप इसको डन कर दें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टिक का भी ऑप्शन नज़र आ जाएगी, तो अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है दराज के हवाले से, या किसी और मतलब के ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, या कोई और दराज के हवाले से कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसी हिसाब से की वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। अदरवाइज़ आप मेरे ईमेल पे भी जो है ना वो कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें।